रोने दे आज हमको, तू ले और खुद को भीग जाने दे, है जो भीग जाएगा। हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? ऐसा कर तो बहुत पड़े गए। सो गाइस, आज वीडियो में जो सिखाने वाला हूँ, हम लोग आज वैलेंटाइन डे पर स्टेटस एडिटिंग करेंगे। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर दो वीडियो बना डाला हूँ, आप लोग नहीं देखा तो देख लेना, मैं नए बटन पर दे चुका। सो गाइस, इस टाइप का स्टेटस खुद के पार्टनर के साथ फोटो क्लिक करके बनाओगे ना, बहुत अमेजिंग लगेगा। तो इस टाइप का स्टेटस बनाने के लिए मैंने वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, और वीडियो में जो कुछ भी मैं मटेरियल यूज करूँगा सभी का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग डाउनलोड करना वीडियो देने के बाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ठोक डालो, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बाल का बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर देना। सो गाइस, हम बिल्ड टू आप लोग तेरे बिल्ड टू एमटेक। तो ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके बेटा, गाइस सबसे पहले हम कैनवास टैब को ओपन कर ले। कर लेने के बाद सिंपली प्लस साइन पर टच करेंगे, उसके बाद हम 9:16 को सिलेक्ट करेंगे। कर लेने के बाद सिंपली हम लोग बैकग्राउंड पर जाएंगे। बैकग्राउंड पर जाने के बाद हम ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इसको डन कर देंगे। डन करके बैक हो गया, हो जाने के सिंपली लेयर के ऊपर टच करके इसके लेयर को हम लोग इंक्रीज कर लेंगे, 28 तक इसको रख देंगे। रखने के बाद इसको हम लोग डन कर सकते हैं फ्रेंड, तो डन कर देंगे हम लोग। डन करके बैक हो जाएंगे, हो जाने के बाद सिंपली हम लेयर पे जाएंगे, जाने के बाद मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद हम लोग PNG को ऐड करेंगे फ्रेंड। मैं जो भी PNG जो भी मैं मेटल यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड, सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका, आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो मैं PNG को ऐड कर लूँगा, मैंने कर लिया PNG को ऐड। कर लेने के बाद सिंपली इसका भी लेयर को हम लोग सबसे पहले इंक्रीज कर लेंगे। कर लेने के बाद इसको हल्का सा एरो में टच करके बड़ा कर लेंगे। बड़ा कर लेने के इसको ऊपर से यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देंगे। करने के इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर हम लोग फिर से लेयर पे जाएंगे, जाने के बाद मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद हम लोग स्मोक इफेक्ट वीडियो को ऐड करेंगे। तो मैं स्मोक वीडियो को ऐड करता हूँ, मैंने कर लिया स्मोक इफेक्ट वीडियो को। कर लेने के बाद सिंपली हम लोग इसको फुल स्क्रीन करेंगे। फुल स्क्रीन करने के लिए सिंपली हम बॉक्स शो कर रहे हैं, इस बॉक्स में टच करेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे बॉक्स में टच करके इसको फुल स्क्रीन कर दे। कर देने के बाद हम लोग सिंपली इस पर टच करके बैक हो जाएंगे। हो जाने के बाद सिंपली हल्का सा स्क्रॉल करके हम लोग जहाँ पे जाएंगे ब्लेंडिंग में जाने के बाद फिर हम लोग इसको स्किन पे सिलेक्ट कर देंगे। कर दिया, देख सकते हो ब्लैक स्किन हट चुका है। हट जाने के बाद सिंपली इसको डन कर देंगे। डन करके बैक हो जाएंगे। हो जाने के बाद अभी आप लोग जहाँ पे जाना पड़ेगा फिर से लेयर में जाना, जाने के बाद मीडिया में जाना। मीडिया में जाने के बाद आप लोगों के लाइट पे वीडियो को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं लाइट पे वीडियो को ऐड करता हूँ फ्रेंड, मैंने लाइट पे वीडियो को ऐड कर लिया। कर लेने के बाद सिंपली आप लोगों को ऐसे करके घुमा लेना पड़ेगा। घुमा लेने के बाद आप लोग एरो में टच करके ऐसे करके इसको फुल स्किन कर लेना पड़ेगा। ऐसे करके आप लोग इतना तक जो ब्लैक शैडो है उसको आप लोगों को ढक देना पड़ेगा। तो मैंने इसको इतना तक इंक्रीज कर लिया। कर लेने का सिंपली फिर से हम लोग हल्का सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद फिर से ब्लेंडिंग में जाएंगे। ब्लेंडिंग में जाने के बाद हम इसको स्किन पे सिलेक्ट कर देंगे। देख सकते हो लाइट इफेक्ट ऐड हो चुका है फ्रेंड। हो जाने के सिंपली फिर से आप लोग इसको डन कर सकते हो। ब्लेंडिंग में टच करके बैक हो जाएंगे फ्रेंड। उसके बाद हम लोग इसका स्पीकर को हम लोग म्यूट कर देंगे। तो हम लोग ऑडियो में जाके इसको म्यूट करके इसको डन कर देंगे। उसके बाद आप लोग अभी जहाँ पे जाओगे लेयर पे जाना फ्रेंड। जाने के बाद आप लोग मीडिया पे जाना। मीडिया पे जाने के बाद आप लोगों को अपना खुद का फोटो को ऐड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड सबसे पहले अपना पार्टनर का और अपना भी वीडियो बना रहे हो तो दोनों का ही फोटो को एक साथ में क्लिक करके जो फोटो बनाया हो उसको आप लोगों को सबसे पहले बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना। तो इस टाइम तो सभी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप लोगों को मैंने वेबसाइट का लिंक दे चुका, आप लोग वहाँ पे जाके अपने फोटो का बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। और आप लोग क्रोम ब्राउज़र में भी जाके आप लोग भी इजीली प्रोसेस में फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। सर्च बॉक्स में सर्च करना remove.vg, इस वेबसाइट में जाके अपने फोटो को बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकते हो। तो मैं ऑलरेडी फोटो को बैकग्राउंड रिमूव करके रखूँ, तो मैं फोटो को ऐड कर लूँगा फ्रेंड। सो बस मैंने फोटो को ऐड कर लिया। कर लेने का सिंपली इसका भी लेयर को हम लोग सिंपली इंक्रीज कर लेंगे इतना तक जितना तक लेयर है। उसके बाद आप लोगों को इसको ऐसे करके हल्का सा इंक्रीज करके इसको यहाँ पे रख देना पड़ेगा। तो मैं और थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा। कर लेने के बाद यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट कर देंगे। कर दिया। कर देने के बाद सिंपली हम लोग जहाँ पे जाएंगे फ्रेंड इसको डन कर देंगे। कर देने के बाद सिंपली हम लोग लेयर पे जाएंगे, जाने के बाद मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद हम लोग ब्लैक शैडो को ऐड कर लेंगे। तो मैं ब्लैक शैडो को ऐड करूँगा फ्रेंड। सो मैंने ब्लैक शैडो को ऐड कर लिया। कर लेंगे सिंपली इसका भी लेयर को हम लोग फुल इंक्रीज कर लेंगे इतना तक। कर लेने के सिंपली हम लोग हल्का से इसको इंक्रीज करके इसको नीचे से इसको एडजस्टमेंट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक शैडो को रखेंगे हम लोग। उसके बाद इसको हम लोग डन करके बैक हो जाएंगे। हो जाने के बाद सिंपली आप लोग थोड़ा सा इसको और भी जूम करना पड़ेगा फ्रेंड। हाँ अभी सही है।
इतना बड़ा कर लिया। उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे रख देंगे, रखने के बाद हम लोग उसको डान करके पैक हो जाएंगे। हो जाने के बाद सिंपली फिर से हम लोग जहाँ पे जाएंगे लेयर पे जाएंगे, जाने के बाद मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद हम लोग लिरिक वाला वीडियो को ऐड करना पड़ेगा, तो मैं लिरिक वाला वीडियो को ऐड करूँगा फ्रेंड। सो मैंने लिरिक वाला वीडियो को ऐड कर लिया। कर लेने के बाद सिंपली हम लोग इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देंगे। सो थोड़ा सा हल्का सा इसको इंक्रीज करके यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। अभी कर देने के बाद आप लोगों को जो काम करना पड़ेगा फ्रेंड, सिंपली थोड़ा सा और भी आप लोग छोटा कर देंगे। सही है। तो अभी आप लोग जहाँ पे जाओगे ब्लेंडिंग में जाना, ब्लेंडिंग में जाने के बाद आप लोग इसका भी स्किन पे सिलेक्ट कर देना। मैंने कर दिया। कर देने के बाद सिंपली आप लोग देख सकते हो ऐड हो चुका है। हो जाने के बाद आप लोग इसको डन करके बैक हो जाना। उसके बाद आप लोगों को जो लास्ट काम करना पड़ेगा लेयर पे जाना पड़ेगा, जाने के बाद मीडिया पे जाना पड़ेगा। मीडिया पे जाने के बाद आप लोगों को एक बॉर्डर को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड। मैंने बॉर्डर को सिलेक्ट कर लिया। कर लेने के बाद सिंपली हम लोग इसको फुल स्किन करने के लिए हम लोग इस बॉक्स के अंदर टच करेंगे। तो सबसे पहले इसका लेयर को हम लोग फुल इंक्रीज कर लेंगे। मैंने कर लिया। कर लेने के बाद सिंपली इस बॉक्स के अंदर टच करके हम लोग इसको फुल स्किन करेंगे। दूसरे बॉक्स में टच करके फुल स्किन कर लिया। करने के बाद इसको डन करके बैक हो जाएगा। और एक काम आप लोग करना पड़ेगा, सिंपल आप लोग लेयर पे जाना, जाने के बाद मीडिया पे जाना। मीडिया पे जाने के बाद आप लोग एक लाइट इफेक्ट वाले वीडियो को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं लाइट इफेक्ट वाले वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। मैंने लाइट इफेक्ट वाला वीडियो को ऐड कर लिया। कर लेने के बाद सिंपली हम लोग इसको फुल स्किन करेंगे। फुल स्किन करने के लिए इस बॉक्स के अंदर टच करेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे बॉक्स के अंदर टच करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको स्किन पे टच करके बैक हो जाएंगे। हो जाने के बाद सिंपली हम लोग जहाँ पे जाएंगे ब्लेंडिंग में जाएंगे। ब्लेंडिंग में जाने के बाद हम लोग सिंपली स्किन पे टच करके इसको सिलेक्ट कर दिए। कर देने के बाद हम लोग ब्लेंडिंग में टच करके बैक हो जाएंगे। हो जाने के बाद सिंपली हम लोग स्पीकर पर टच करके इसका ऑडियो को म्यूट करके इसको डन कर देंगे। देख सकते हो फिर हम लोग को वीडियो फुल कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग इस वीडियो को प्ले करेंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस लेयर को हम लोग को पीछे से ले जाना पड़ेगा फ्रेंड। तो लेयर को टच करके टिपल लोन में टच करके इसको सेंड टू बैक कर देना। मैंने कट दिया फ्रेंड। उसके बाद इसको डन कर देते हैं और मैं देख लूँगा एक्स्ट्रा पार्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। पार्ट को हम लोग डिलीट करने के लिए सिंपली आप लोगों को लेयर के ऊपर टच करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग कैंची बॉक्स में टच करके इसको ऐसे करके ट्रिम टू राइट कर देना। तो ऐसे करके आप लोग कर लेना। तो जो भी पार्ट रहेगा तो छोड़ देता हूँ अभी। तो आप लोगों को वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे फोन के अंदर, ठीक है। तो मैं वीडियो प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे। तो दरिया वो छोड़ जाएगा। ओके गाइस, हम लोग अभी वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली सेव ऑप्शन पर टच करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट पर टच कर देंगे। एक्सपोर्ट होकर हम लोग का फोन में फ्रेंड सेव हो जाएगा। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ठोक डालो और हो सके तो वीडियो को फ्रेंड वगैरह से शेयर भी कर देना। सो गाइस, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल का बेल आइकन है उसको ऑल पर प्रेस कर देना प्लीज़। और फ्रेंड, इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग ऑल। बाय बाय।